नेता हूँ, मैं नेता हूँ, जनता को धोखा देता हूँ, मैं नेता हूँ। तो नेता लोग का सिर्फ होता फर्जी बात। गरीब को इस देश में है ही नहीं, कोई कोई नहीं, कोई नहीं गरीब है, सब पैसे वाले हैं, मन से सब लोग गरीब है, मन से गरीब है। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख ले, मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता। मोदी जी को कोई नहीं हिला सकता। नक्स ने एक बात बताई थी, मैन इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर, जिसकी सोच ही गरीब वाली है, जो कहता है कि हम गरीब हैं, गरीब हैं। भैया गरीब होना बुरी बात नहीं है, आप गरीब घर में पैदा लिए बुरी बात नहीं है, आप तो मेहनत कीजिए। आप मेहनत करते नहीं है और कहते हैं कि भैया हमको ये दे दे। नीतीश को जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए, तो दोनों को एकदम, चाचा भतीजा को एकदम जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। फिर भी जनता कहती है मैं मोदी जी को ही वोटिंग करूंगा, क्यों? कुछ तो उनमें खूबी है, कुछ तो खासियत है उनमें। महंगाई बढ़ जा जनता झेल लेगी, एकदम झेल लेगी, कि मोदी जी को नहीं हटने देंगे हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना रांची जन शताब्दी में सफ़र कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि तीन राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में उबाल है। बीजेपी तरह तरह के दावे कर रही है, क्या सचमुच इन तीन राज्यों के चुनाव नतीजे बिहार को भी प्रभावित करेगा? आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? इन्हीं मुद्दों पर हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो इन चुनाव नतीजों को कैसे देखते हैं। तो आइए पटना रांची जन शताब्दी में सफ़र कर रहे लोगों से जानते हैं उनकी राय। नीतीश जी 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, एकदम सिर्फ झूठा वादा किए हैं। तेजस्वी जी भी बोले थे ये बात, जब उनको गद्दी नहीं मिला था तो बोले थे 10 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। कहाँ गया उनका वादा? नेता हैं, सिर्फ नेता वाला बात बोल देते हैं। मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ, जनता को धोखा देता हूँ, मैं नेता हूँ। तो नेता लोग का सिर्फ होता फर्जी बात। अगर उनको पद गद्दी मिलने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, फिर गद्दी मिलने के बाद सारा वादा भूल जाते हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं। तो जनता को बेवकूफ समझते हैं तो वो उनकी भूल है, ठीक है, उनकी भूल है ये। जो जनता उनको गद्दी पे बैठा सकती है वही जनता उनको उतार भी सकती है, बिल्कुल सही, वही जनता उनको उतार सकती है। तो ये उनका भ्रम है कि मैं जनता को बरगला के वोट ले लूँगा और फिर उनको बेवकूफ बनाऊंगा, ठीक है। वो उतरने का तैयारी कर ले, एकदम। ये तो कह रहे हैं तेजस्वी जी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, कहाँ गए? उन बोलने से क्या होगा, उनका वादा कहाँ गया? पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी देना, बिहार में इतना बेरोजगार है। अभी टीचर 1 लाख से ज़्यादा टीचर की नियुक्ति हुई है ना? हाँ, वो सब तो क्वालिफाई था तो उनका तो होना ही था, क्वालिफाई था उनका होना ही था। लेकिन और जो वादा किए हैं कहाँ दे रहे हैं? क्योंकि आपका है ये ग्रामीण चिकित्सक है, ठीक है, ग्रामीण चिकित्सक का देखिए क्या बुरा हाल कर वो रखे हैं। कोविड के टाइम में सारा हॉस्पिटल बंद था, सारा नर्सिंग होम बड़ा बड़ा बंद था, उस टाइम में ग्रामीण चिकित्सक जो है पूरा गांव में सेवा दिया था जनता का, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भारत है गाँव का देश है, गांव से बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो लेकिन कहाँ वो लोग को देखिए, अभी कैसे करके रोड पे बैठा दिए हैं। और आश्वासन दिए थे तेजस्वी जी, नीतीश जी, कि मैं आप लोग के लिए कुछ सोचूंगा, आप लोग को कुछ काम दूंगा, कहाँ गया उनका वादा? स्वास्थ्य कर्मी के साथ ऐसे कर रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक बेचारा देखिए भटक रहा रोड पे, अभी कहाँ कुछ कर रहे हैं उनके लिए। तो ये बस बड़ा बड़ा खाली वादा कर लेंगे। और नीतीश जी तो मानसिक रूप से बीमार हैं, नीतीश जी का जो वार्तालाप आ रहा है वो तो मानसिक रूप से बीमार हैं, तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए पहले ही। तो वो जीतने का ख्वाब क्या देख रहे हैं? अभी विधानसभा में जो बयान दिया बहुत ही भद्दा बयान दिया है, जो महिला के लिए एक शर्मसार है। वो तो कह रहे कि हम प्रजनन दर सिखा रहे लोगों की, कैसे आप मतलब
अपने परिवार को सीमित रख सकते हैं। वो इस तरह सिखा रहे हैं, इस तरह से भद्दी बातें बोल के सिखाया जाता है क्या? बुड़बक बनाते हैं जनता को, बेवकूफ़ बनाते हैं। जब बोल चुके तो बाद में अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। वो नीतीश जी जो है मानसिक रूप से बीमार है, समझ गए ना, उनसे राज्य संभलने वाला नहीं है। तो वो उनको खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। महिलाओं को कह रहे बहुत सम्मान करते हैं, 50% देखिए पंचायती राज में दिया आरक्षण, नौकरियों में 35% आरक्षण है लड़कियों को, बिहार पहला राज्य है ऐसा। इसके अलावा लड़कियों को साइकिल बांटी गई, तो तमाम तरह की सुविधाएं, लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा मिल रही है ग्रेजुएशन तक। ये सब बरगलाना हुआ नीतीश जी का, ये सब जो हुआ बरगलाना हुआ, प्रलोभन देना, लोभ देके वोट इकट्ठा कीजिएगा, नहीं होगा, नहीं चलेगा। नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मोदी जी एकदम ठीक है। मोदी जी नीतीश जी में कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं किया जाएगा उन दोनों में, कोई तुलना नहीं। तो ये तो नीतीश जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी को हटाने में यही सक्षम है नीतीश जी। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख ले, मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता है, कोई नहीं मोदी जी को कोई नहीं हिला सकता है। मोदी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, उनको ये नहीं हिला पाएंगे, नीतीश जी क्या हिला पाएंगे। सबसे झूठा प्रधानमंत्री, सबसे झूठा, गलत बात जो बोलता है वो बिल्कुल गलत बात बोलता है। ये देखिए राजनीतिक है, राजनीतिक में तो ये सब चलता ही रहता है ना। अब जो सही काम करेगा उसको गलत ठहराया जाएगा। ये बताइए कि उन्होंने 15 लाख रुपया देने के वादे किए थे लोगों को, 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल मुहैया कराने की बात की थी, तो ऐसे सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो ये सब समस्याएं तो है ही देश में। फिर भी जनता कहती है मैं मोदी जी को ही वोटिंग करूंगा, क्यों? कुछ तो उनमें खूबी है, कुछ तो खासियत है उनमें। महंगाई बढ़ जा जनता झेल लेगी, एकदम झेल लेगी, कि मोदी जी को नहीं हटने देंगे हम लोग, मोदी जी को नहीं हटने देंगे। ऐसी क्या बात है, मतलब कुछ तो खूबी उनमें होगा, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। उतना खुल के हम नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन है उनमें क्वालिटी है कि देश को वो संभाल सकते हैं सही से, संभाल भी रहे हैं। नहीं तो ऐसी क्या, मतलब मुझे तो नहीं लगता, जैसे आज मुझे से पूछिएगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई क्वालिटी है कि मतलब उनसे अच्छे अच्छे लोग हैं देश में। क्यों नहीं लगता आपको? आपको क्यों नहीं लगता है ये बताइए आप। मैं तो कहा कि उनसे अच्छे अच्छे लोग हैं देश में। कैसे कह सकते हैं आप? नहीं कह सकता। आपको अच्छे लग रहे हैं? हम लोग को, हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं तो हम अपने विचार, हम लोग को मोदी जी अच्छे लगते हैं, ठीक है, मोदी जी का प्रचार हो रहा है समझे। हम लोग मोदी जी अच्छे लगते हैं, और 99% हमको लग रहा है कि मोदी जी का सपोर्टर है जनता, 99%। अरे बिहार में लगता है कि मतलब बीजेपी आ पाएगी? ये हम नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। मोदी जी मतलब यहाँ नहीं हिला पा रहे हैं, मतलब बिहार का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत उल्टा पुल्टा आदमी है, बिहार में बहुत उल्टा पुल्टा काम चलता है। आप कहाँ से हैं? हम भी तो बिहार से हैं भैया, हम भी बिहार से हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है बिहार का। देखिए ना, जातिवाद बहुत होता है ना, बहुत ज्यादा जातिवाद होता है, बहुत ज्यादा जातिवाद। जो अभी युवा पीढ़ी है ऐसे तो बदल रहे हैं लोग, अंतरजातीय विवाह भी लोग कर रहे हैं, कर रहा है, उसे दिखावटी है, कर रहा है, सब दिन चलते आ रहा है, ये सब नया नहीं है, अंतरजातीय विवाह सब दिन से चला आ रहा है। अब ज्यादा हो गया? नहीं, ज्यादा नहीं कही है, ये सब दिन से चलते आ रहा है। मैं कल ही एक नेता के पास गया था तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी शादी कर ली दूसरे कास्ट में, मेरी भतीजी कर ली दूसरे कास्ट में। दूसरा कास्ट अब बोलते हैं, हिंदू लड़की अब मुस्लिम से शादी कर रही है, तो वो तो अपना अपना इस मैटर को स्टॉप कीजिए, ठीक है जी। हाँ, बदलाव नहीं हो रहा है? नहीं, बदलाव क्या होगा, जातिवाद ये सब बकवास है फालतू का, जातिवाद रहेगा, रहेगा एकदम रहेगा, कर रहा है आदमी जातिवाद पूरा। कौन सा विभाग में ऐसा अभी है जो जातिवाद नहीं है? लेकिन इसको मिटाना चाहिए, लेकिन नहीं मिटेगा ये चीज, मिटाना चाहिए लेकिन मिटने वाला नहीं है। तेजस्वी नीतीश को जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए, तो दोनों को एकदम, चाचा भतीजा को एकदम जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। तो चाचा कह रहे हैं कि भतीजा को 2025 में बना देंगे, ख्वाब देख रहे हैं,
ख्वाब देख रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि यूथ हैं आप समझते हैं कि मोदी जी जो मतलब कहते हैं वो करते हैं, जैसे मोदी है तो गारंटी, सचमुच ऐसा है क्या? इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो कोई कमेंट नहीं करेंगे। ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये बताइए कि मतलब पढ़ाई लिखाई रोज़गार की बात होती है तो आप सिक्योर फील करते हैं कि हमको पढ़ाई के बाद रोज़गार मिल जाएगा? अपने मेहनत पर विश्वास है, अगर करेंगे तो मिल जाएगा। अभी तीन राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं जी, तो कैसे देखते हैं आप, क्या इसका इम्पैक्ट बिहार की राजनीति पे पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या होने वाला है, हमें मतलब इस बात की है कि हम जो डेली हम लोग पैसेंजर जाते हैं गया उधर, हमको ट्रेन उधर से शाम को 5 बजे पहले भी चलती थी कोरोना से पहले, अभी भी चलनी चाहिए है ना। हमारी बात ये है, इस बात को आप पहुंचाइए असनवी वैष्णवी के पास है ना, रेल मंत्री के पास ये पहुंचाइए, चाहे हम बिहार के सचिवालय में जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास पहुंचाइए ये बात। मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब देश में ना दो तरह की ट्रेन चलेगी, एक तो फुल एसी होगी और एक नॉन एसी होगी, एकदम साधारण होगी, किसी भी टाइप की ट्रेन चले, लेकिन हम लोग को जो परेशानी है वो शाम को 5 बजे उधर से ट्रेन नहीं मिलती है, इंतजार करना पड़ता है, घर आते आते लेट होती है, उसका निदान किया जाए। और बोलिए मंत्री जी को कि भाई हम एक ट्रेन चलाएं कम से कम 5 बजे के बाद। आप ये बताइए कि ये जो फैसला ले रही है सरकार, माना जा रहा है कि इसी बजट में ये कर लिया जाएगा फरवरी में कि मतलब दो तरह की ही ट्रेन चलेगी, ये आपको अच्छा लग रहा है? इकोनॉमी के दृष्टिकोण से अच्छा है, राजा लोग मतलब चलेंगे अलग सेपरेट और गरीब लोग सेपरेट। गरीब तो इस देश में है ही नहीं, कोई कोई नहीं, कोई नहीं गरीब है, सब पैसे वाले हैं, मन से सब लोग गरीब हैं, मन से गरीब है, मन से गरीब है। क्योंकि प्रोफेसर, एक बार मैंने जब मैं दिल्ली में था तो एक बार कपिल सिब्बल ने कहा था, प्रोफेसर रक्ष ने एक बात बताई थी, ए मैन इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर, जिसकी सोच ही गरीब वाली है, जो कहता है कि हम गरीब हैं गरीब हैं, भैया गरीब होना बुरी बात नहीं है, आप गरीब घर में पैदा लिए बुरी बात नहीं है, आप तो मेहनत कीजिए, आप मेहनत करते नहीं है और कहते हैं कि भैया हमको ये दे दे, एगो केजरीवाल की सरकार आती है बोलते हैं हम फ्री में दे दे फ्री दे दे, सब कुछ अगर फ्री में दे देगा तो फिर इकॉनमी चलेगी कैसे? मोदी जी भी तो फ्री में दे रहा है, वो क्या फ्री में दे रहा है, मुफ्त में अनाज 80 करोड़ की जनता को दे रहा है, वो भी तो पब्लिक के द्वारा जो डोनेट किया गया पैसा मिला था तो उसी पैसा को तो बांटे हैं, आके अपने घर से पैसा दे रहे हैं। अरे कोई भी दे रहा है तो दिल्ली काम तो वही कर रहा है उसी रास्ते पे, वो भी है मुफ्त में दे रहे हैं कि नहीं? ट्रेन वाली बात को चलाइए छोड़िए, वो सब राजनीति हम पहले राजनीति हम पहले ये बताइए कि नीतीश जी जाएंगे, जो चुनाव नतीजे आए हैं तीन राज्यों में उससे लगता है कि नीतीश जी और जो यहाँ महागठबंधन, नीतीश जी इस चुनाव नतीजा से आने के बाद वो बीमार पड़ गए, पहले से बीमार हो गया, हमें पता नहीं था, लेकिन अब वो ऐसी बीमार अवस्था में क्या कहते अगले बार वो चुनाव हार ही जाएंगे।